बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन, जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। जीत ले हम सारी दुनिया, लीजिए हमें आज खोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आपको देखकर खुशी हुई। आशा है आपने अपनी आंतरिक बाधाओं को पहचान कर उन्हें पार करने का प्रण ले लिया होगा और बाधाओं को पार करने के तरीकों को भी पहचान लिया होगा। संभव है कि बाधाओं को पार करने के लिए आपने पूरा प्रयास भी शुरू कर दिया होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करें? ये खेल खेलने के लिए आपको जोड़े बनाकर बैठना है। आप में से एक व्यक्ति को अपनी हथेली में एक सिक्का, रबर या शार्पनर रखकर मुट्ठी बंद करनी है। दूसरे व्यक्ति को आपके हाथ से वो चीज लेनी है। ठीक है? क्या आप दूसरे व्यक्ति के हाथ से वो चीज ले पाए? आप में से कुछ लोग वो चीज ले पाए और कुछ लोग नहीं ले पाए, है ना? क्यों नहीं? आप बड़ी सरलता से उस व्यक्ति को अपनी मुट्ठी खोलने के लिए कह सकते थे और उसके हाथ से वो चीज ले सकते थे। खेल का नियम यह था कि आपको वो चीज लेनी है। ऐसा कोई नियम नहीं था कि आपको वो चीज बलपूर्वक लेनी है। नियम में हमने यह भी नहीं कहा था कि आप वो चीज मांग नहीं सकते। ये कितना आसान था, है ना? कभी कभी हम कुछ काल्पनिक बाधाएं बना लेते हैं, जबकि वास्तव में कोई बाधा होती ही नहीं। हम जिन बाधाओं को बड़ी सरलता से पार कर सकते हैं, वहां हम लड़खड़ा जाते हैं। उदाहरण के लिए, हम अपने शरीर, कद, रंग इत्यादि को बाधा मानते हैं और इस वजह से खुद को हीन समझते हैं। इससे हम निराश हो जाते हैं। इसी तरह हम ये गलत धारणा बना लेते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारा विरोध करेंगे। हम सकारात्मक सोच के साथ उनसे बात नहीं कर पाते। इस वजह से हम खुद को अयोग्य समझते हैं। अब इस चित्र को देखिए। पत्ते पर किसी कीड़े के अंडे दिखाए गए हैं। अंडे से इल्ली निकलती है। कुछ दिनों में वो इल्ली अपने चारों तरफ एक कोवा या कवच बना लेती है।
जब वो कौवे को तोड़कर बाहर निकलती है तब वो एक पंखों वाला कीड़ा बन चुकी होती है। इसी तरह हमें अपनी बाधाओं को ज्ञान, निश्चय और प्रयास से पार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पिछले सत्र में हमने आंतरिक बाधाओं के बारे में जाना था, अब हम बाहरी बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जीवन में कुछ बाधाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। उदाहरण के लिए, किसी छोटी जगह पर पैदा हुआ व्यक्ति उस बात को बाधा मान सकता है। उस व्यक्ति के लिए अपने जन्म स्थान को बदलना नामुमकिन है ना? ये बाधा आपके नियंत्रण के बाहर है। ये बाधाएं हमारे वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की वजह से होती हैं। हमारे वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की वजह से आने वाली बाधाएं हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं और वे बाहरी बाधाएं होती हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर बाधाओं की सूची दिखाई जाएगी। क्या आप इस सूची से बाहरी बाधाओं को पहचान सकते हैं? जीवन की कुछ बाधाएं: आलस, हमारे आसपास के लोग, मार्गदर्शन में कमी, आर्थिक परेशानियां, खुद को हीन समझना, उत्साह की कमी, भाषा, दूसरों की ईर्ष्या, योग्यता की कमी, अज्ञानता, खराब सेहत, पराजय। बहुत बढ़िया, आइए सही जवाब देखते हैं। बाहरी बाधाएं, हमारा विरोध करने वाले हमारे आसपास के लोग, मार्गदर्शन की कमी, दूसरों की ईर्ष्या, पराजय, आर्थिक परेशानियां। अब हम सीखेंगे कि इन बाधाओं को एक एक करके पार कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे आसपास के लोगों के बारे में बात करते हैं। इंदु का भाई उसकी सब बातों का विरोध करता रहता है। अगर वो चित्र बनाती है तो वो कहता है आजकल डिजिटल फोटो का जमाना है, चित्र बनाना बेकार काम है। अगर वो फोटोग्राफी सीखना चाहती है तो वो कहता है ये एक महंगा शौक है। क्या आप दोनों इस परिस्थिति को अभिनय द्वारा दिखा सकते हैं? जब हमारे आसपास के लोग हमारे काम का उद्देश्य नहीं समझते तो उनके विचार, राय और कार्य हमारे लिए बाधा बन जाते हैं। ये संभव है कि जब हम उन्हें अपने विचारों और कार्यों का उद्देश्य समझाएं तो उनके द्वारा खड़ी की गई बाधाएं हट जाएंगी या फिर कम चुनौतीपूर्ण हो जाएंगी। अगर इंदु के भाई को अच्छी तरह नहीं मालूम है कि वो क्या और क्यों सीखना चाहती है तो उसे धैर्यपूर्वक अपनी बातें समझानी चाहिए। हमारे आसपास के लोगों के साथ तर्क वितर्क करने से हम उनके द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अगर स्वभाव के कारण लोग दोष ढूंढें, निंदा बदनामी करें, षड्यंत्र करें, हतोत्साहित करें, हंसी उड़ाएं तो शुरुआत में हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर लोग ऐसा करते रहें तो हमें उनसे सीधी बात करते हुए ये कहना चाहिए कि उनका ये व्यवहार अनुचित है। पर हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना आत्मविश्वास न गवा दें। इन बाधाओं को पार करने का यही तरीका है। बाधाएं: दोष ढूंढना, दूसरे के काम बिगाड़ना, पीठ के पीछे बातें करना, निंदा बदनामी करना, षड्यंत्र करना, हतोत्साहित करना, हंसी उड़ाना। पार करने का तरीका: तानों पर ध्यान न देना,
दृढ़ता के साथ विरोध करना। आपके आसपास के लोग आपके लिए कौन सी बाधाएं पैदा करते हैं? आप उन बाधाओं को पार करने के लिए क्या करेंगे? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताएंगे? अपने मन की बात बताने के लिए धन्यवाद। अब हम मार्गदर्शन की कमी के बारे में बात करेंगे। गीता को कोई अंदाजा नहीं है कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उसे कौन सा विषय लेना चाहिए। उसके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसका मार्गदर्शन कर सके। इस परिस्थिति को बदलने के लिए गीता को क्या करना चाहिए? पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, वही करना चाहिए जिसका उसे ज्ञान है, या फिर आवश्यक जानकारी जुटानी चाहिए? 1. पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। 2. वही करना चाहिए जिसका उसे ज्ञान है। 3. आवश्यक जानकारी जुटानी चाहिए। गीता को इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसके परिवार में उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। उसे अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़नी चाहिए, उसे आवश्यक जानकारी जुटानी चाहिए। इस जानकारी से उसे मार्गदर्शन मिलेगा। उसे किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। उसे किताबों, अंतरजाल और अन्य कई स्रोत से जानकारी मिल सकती है। वो मार्गदर्शन की कमी वाली बाधा को किताबों से, बड़ों से बात करके और अंतरजाल की मदद से पार कर सकती है। हमें मार्गदर्शन की कमी वाली बाधा को किताबों से, बड़ों से बात करके और अंतरजाल की मदद से पार करना चाहिए। एक और क्रियाकलाप। जब गीता ने अपनी शिक्षिका से विषय चुनने के बारे में बात की, उसकी शिक्षिका ने उसे विषयों और व्यवसाय से जुड़े विकल्पों के बारे में बताया। क्या आप दोनों इस परिस्थिति को अभिनय के द्वारा दर्शा सकते हैं? धन्यवाद। अब हम दूसरों की ईर्ष्या के बारे में बात करेंगे। मुकेश एक अच्छा छात्र है और आम तौर पर कक्षा के सबसे होशियार विद्यार्थियों में उसे गिना जाता है। उसके दोस्त माधव को उससे ईर्ष्या होती है और वो उसे ताने मारता रहता है। मुकेश इस बात से बहुत परेशान रहता है। इस वजह से मुकेश की पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगा है। अगर आप मुकेश के अच्छे दोस्त होते तो आप उसे क्या कहते? क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। दूसरों की ईर्ष्या के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसके बारे में चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। सबसे उचित यह होगा कि आप उन बातों पर ध्यान न दें। हमें दूसरों की ईर्ष्या वाली बाधा को पार करने के लिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या किसी को आपसे कभी ईर्ष्या हुई है? आपने उस परिस्थिति का सामना कैसे किया? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? अपने मन की बात करने के लिए धन्यवाद। आइए अब सत्र के सार संक्षेप का समय है। हमारे वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले
लोगों की वजह से आने वाली बाधाएं हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं और वे बाहरी बाधाएं होती हैं। हमारे आसपास के लोगों के काम, उनके विचार, उनकी ईर्ष्या, मार्गदर्शन की कमी, पराजय और आर्थिक परेशानियां कुछ बाहरी बाधाएं हैं। हमारे आसपास के लोगों के साथ तर्क वितर्क करने से हम उनके द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को दूर कर सकते हैं। मार्गदर्शन की कमी वाली बाधा को किताबों से, बड़ों से बात करके और अंतरजाल की मदद से पार करना चाहिए। दूसरों की ईर्ष्या वाली बाधा को पार करने के लिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहां देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि हमारे वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की वजह से आने वाली बाधाएं हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं और वे बाहरी बाधाएं होती हैं। हमारे आसपास के लोगों के काम, उनके विचार, उनकी ईर्ष्या, मार्गदर्शन की कमी, पराजय और आर्थिक परेशानियां कुछ बाहरी बाधाएं हैं। हमारे आसपास के लोगों के साथ तर्क वितर्क करने से हम उनके द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को दूर कर सकते हैं। मार्गदर्शन की कमी वाली बाधा को किताबों से, बड़ों से बात करके और अंतरजाल की मदद से पार करना चाहिए। दूसरों की ईर्ष्या वाली बाधा को पार करने के लिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आइए अब बाकी की बाधाओं के बारे में बात करें। अगली बाधा है पराजय। स्कूल की प्रतियोगिता में विमला ने जितनी बार भी ऊंची कूद लगाई उतनी बार वो असफल हुई। इस वजह से वो फिर से कूद लगाने से कतरा रही है। उसे लगता है कि अब वो जीवन में कभी भी ऊंची कूद नहीं लगा सकती। अगर आप उसके करीबी मित्र होते तो आप उसे कैसे हिम्मत दिलाते? क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने केवल सफलता देखी हो। सफलता की राह में कई बार पराजय का सामना करना पड़ता है और निराशा भी होती है, पर जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने पराजय से अमूल्य सबक सीखे हैं और फिर से प्रयास करके सफल हुए हैं। जो लोग पराजय के बाद हार मान लेते हैं वे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। विमला को ये समझना चाहिए और रुचि लेकर फिर से प्रयास करते रहना चाहिए। पराजय को स्वीकार करना, उसके कारण जानना, सफल होने के नए रास्ते ढूंढना और प्रयास करके सफल होना, ये सब पराजित व्यक्ति को ही करना पड़ता है। पर डर और खुद को हीन समझने की भावना उस व्यक्ति को ये करने से रोक सकते हैं। इसलिए पराजय की बाहरी बाधा पर विजय प्राप्त करने के लिए डर और हीन भावना की आंतरिक बाधाओं को पार करना होगा। हमें पराजय की बाहरी बाधा पर विजय प्राप्त करने के लिए डर और हीन भावना की आंतरिक बाधाओं को पार करना चाहिए और बार बार प्रयास करना चाहिए। मैं दोहराता हूं, पराजय की बाहरी बाधा पर विजय प्राप्त करने के लिए डर और हीन भावना की आंतरिक बाधाओं को पार करना चाहिए और बार बार प्रयास
प्रयास करना चाहिए। क्या आप खेलकूद, पढ़ाई, दोस्ती इत्यादि में हुई पराजय के बारे में अच्छी तरह सोचकर फिर से सफल होने का प्रयास कर सकते हैं? अपनी भावनाएं बताने के लिए धन्यवाद। अगली बाधा है आर्थिक परेशानियां। समीर पढ़ाई में अच्छा है, उसके माता पिता रोज मजदूरी करके पैसे कमाते हैं। जैसे ही समीर ने 12वीं की परीक्षा पास की, उसकी माँ बीमार पड़ गई। आगे पढ़ाई करने की जगह समीर को घर चलाने के लिए काम करना पड़ा। अगर आप समीर की जगह होते तो आप क्या करते? पढ़ाई छोड़ देते और काम करने लग जाते? काम करने से मना कर देते? परिवार के खर्चों का उचित तरह से ध्यान रखते हुए पढ़ाई चालू रखते? एक, पढ़ाई छोड़ देते और काम करने लग जाते। दो, काम करने से मना कर देते। तीन, परिवार के खर्चों का उचित तरह से ध्यान रखते हुए पढ़ाई चालू रखते। पढ़ाई छोड़ने से या काम पर न जाने से ये समस्या हल नहीं होगी। परिवार के खर्चों का उचित तरह से ध्यान रखते हुए पढ़ाई चालू रखने से ही इस बाधा को पार करने में मदद मिल सकती है। अगर वो आधे दिन के लिए काम करे तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी और वो पढ़ाई भी कर पाएगा। छात्रवृत्ति के लिए निवेदन करने से या फिर बैंक से कर्जा लेने से भी मदद मिल सकती है। आर्थिक परेशानियों की बाधा को पार करने के लिए परिवार के खर्चों का उचित तरह से ध्यान रखना चाहिए। जो मौका मिले उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और उपलब्ध संसाधनों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना चाहिए। आर्थिक परेशानियों की बाधा को पार करने के लिए परिवार के खर्चों का उचित तरह से ध्यान रखना चाहिए। जो मौका मिले उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और उपलब्ध संसाधनों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। मां की बीमारी की वजह से जो कमाई का नुकसान हो रहा है उसे दूर करने के बारे में समीर ने अपने पिता से बात की। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? अब इस चित्र को देखिए। ये वीर पांडियन है, मदुरई की एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के साथ साथ इसने अपने परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए एक दुकान पर छोटे मोटे काम किए। 12वीं की परीक्षा में उसे पूरे राज्य में भूगोल में सबसे ज्यादा अंक मिले। अब वो एक IAS अफसर है। आत्मविश्वास और प्रयास से उसने अपनी सारी बाधाएं पार कर ली। क्या आपने वास्तविक जीवन में या फिर अखबार में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने कड़ी मेहनत और समझदारी से आर्थिक परेशानियों को पार कर लिया हो? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद, ये बहुत प्रेरणादायक था। संक्षेपित में, जागरूकता, परिस्थिति को स्वीकारना, कठिनाई पर ध्यान न देना, आत्मविश्वास, हल ढूंढना, ध्यानपूर्वक योजना बनाना और निरंतर प्रयास, ये करने से हम बाहरी बाधाओं को पार कर सकते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। स्क्रीन पर एक तरफ आपको कुछ समस्याओं से जुड़े कथन दिखाए जाएंगे और दूसरी तरफ कुछ हल दिखाए जाएंगे। आपको समस्या और हल के सही जोड़े बनाने हैं। क्या हम शुरू करें? समस्या कथन। उनको कोई अंदाजा नहीं है
कि मैंने कितनी मेहनत की है, वो मेरे बारे में झूठी बातें क्यों फैलाता है, क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या करना चाहिए, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है, ये मेरा दोष नहीं है कि मुझे उससे ज्यादा अंक मिलते हैं, सारी मुसीबतें मुझ पर ही क्यों टूट पड़ती हैं, मैं जो भी करता हूं या करती हूं उसमें असफल होता हूं या होती हूं। जब परिवार की आमदनी से घर का खर्च ही नहीं चल पाता तो मैं पढ़ाई करने के सपने कैसे देख सकता हूं, देख सकती हूं। हल ढूंढने की कोशिश करें, जागरूकता फैलाएं, ध्यान ना दें। ध्यान से योजना बनाकर काम करें, इस मामले पर ध्यान ना दें। अटलता से प्रयास करें, क्या आपने उचित जोड़े बना लिए? क्या हम सही जवाबों पर ध्यान दें? समस्या कथन, हल। उनको कोई अंदाजा नहीं है कि मैंने कितनी मेहनत की है, जागरूकता फैलाएं, वो मेरे बारे में झूठी बातें क्यों फैलाता है, इस मामले पर ध्यान न दें। क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या करना चाहिए? हल ढूंढने की कोशिश करें, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है, ये मेरा दोष नहीं है कि मुझे उससे ज्यादा अंक मिलते हैं, ध्यान ना दें। सारी मुसीबतें मुझ पर ही क्यों टूट पड़ती हैं, मैं जो भी करता हूं या करती हूं उसमें असफल होता हूं या होती हूं। अटलता से प्रयास करें, जब परिवार की आमदनी से घर का खर्च ही नहीं चल पाता तो मैं पढ़ाई करने के सपने कैसे देख सकता हूँ, देख सकती हूँ। ध्यान से योजना बनाकर काम करें। जिन विद्यार्थियों के जवाब सही थे उन्हें बधाई हो। क्या आप इस चित्र में दिखाए गए व्यक्ति को पहचान सकते हैं? ये हेलेन केलर है। ये देख और सुन नहीं सकती, विश्व भर में ये निशक्त जनों यानी विकलांग व्यक्तियों की प्रेरणा है। ये महात्मा गांधी हैं। अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर इन्होंने बहादुरी से अंग्रेजों का विरोध किया और भारत की आजादी के लिए लड़े। ये नेल्सन मंडेला हैं। इन्होंने रंगभेद का विरोध किया और काले लोगों के समान अधिकारों के लिए लड़े। इसके लिए इन्हें जेल में 27 वर्ष बिताने पड़े। अपने जवाब बताने के लिए धन्यवाद। इन सब ने दृढ़ निश्चय किया, ये अपने निश्चय पर डटे रहे। इन्होंने बाधाओं को पार किया, अपने लक्ष्य पर पहुंचने तक इन्होंने सारी मुसीबतों का सामना किया। ये अपना प्रण पूरा करने में सफल हुए। ये तीनों हस्तियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और सब लोग इन्हें पहचानते हैं। पर ऐसे कई अनजाने नायक और नायिकाएं हैं जिन्होंने अपने परिवार को मुसीबत से बचाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया है, जैसे कि गांव में पीने के पानी का प्रबंध करना या किसी पिछड़े हुए इलाके की भलाई के लिए काम करना। उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ प्रयास किया और अपने काम में सफल हुए। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं? ये व्यक्ति आपके स्कूल या आपके पड़ोस से हो सकते हैं। क्या आप इनके बारे में हमें जानकारी देंगे?
ये जानकारी देने के लिए शुक्रिया। अब एक क्रियाकलाप का समय है। क्या आप सब अपनी बाहरी बाधाओं की सूची बनाएंगे और उनको पार करने की योजना भी बनाएंगे? आपको ये सूची किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। अपनी बाधाओं की सूची और उनको पार करने की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। तो अब सत्र का सार संक्षेप करने का समय है। हमारे वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की वजह से आने वाली बाधाएं हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं और वे बाहरी बाधाएं होती हैं। हमारे आसपास के लोगों के काम, उनके विचार, उनकी ईर्ष्या, मार्गदर्शन की कमी, पराजय और आर्थिक परेशानियां कुछ बाहरी बाधाएं हैं। जागरूकता, परिस्थिति को स्वीकारना, कठिनाई पर ध्यान न देना, आत्मविश्वास, हल ढूंढना, ध्यानपूर्वक योजना बनाना और निरंतर प्रयास, ये करने से हम बाहरी बाधाओं को पार कर सकते हैं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। हाय, मेरा नाम स्मृति चौधरी है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ। मुझे ड्राइंग्स करना बचपन से ही बहुत पसंद है और मैं आज भी उतना ही इंजॉय करती हूँ। पहले मैं आपको अपना कुछ काम दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद हम साथ में आर्ट भी बनाएंगे। ये ड्राइंग्स मैंने पेन से बनाई है। मुझे प्रकृति से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। मेरे काम में ज्यादातर जानवर और पेड़ पौधे नजर आएंगे। और ये कुछ वाटर कलर पेंटिंग्स हैं। मुझे अलग अलग टेक्निक्स ट्राई करने में बहुत मजा आता है। मैंने अपने घर की दीवार पर ये हाथी वॉल पेंट से बनाया है। इसे बनाने में मुझे पूरा एक महीना लगा था। आर्ट बनाने से मुझे बहुत शांति मिलती है और शायद आपको भी मिलती होगी। तो अब हम साथ में कुछ बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग ट्राई करेंगे। हम क्रेयॉन्स और ब्लैक पेंट लेके ऐसे खिड़की के दो व्यू बनाएंगे, एक जो आपकी खिड़की से दिखता है और जो आप खिड़की से देखना चाहते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक की जरूरत है, जो अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अब मेरे टेबल पर चलते हैं, जहाँ पे मैंने सारा सामान तैयार रखा है। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पेपर। मोटे पेपर से ज़्यादा अच्छा बनेगा। डिफरेंट कलर्स के क्रेयॉन्स, एक पेंट ब्रश, ब्लैक पोस्टर पेंट और कुछ भी शार्प, जैसे टूथपिक या बुल पेन। सबसे पहले क्रेयॉन्स लेकर आपको पेपर पर खिचपिच करनी है। इसमें बहुत मजा आता है क्योंकि इस स्टेप में आपको कुछ सोचना नहीं है, बस आपके मन पसंद कलर्स लेकर आपको खूब एंजॉय करना है। ये करते वक्त आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि पेपर अच्छे से क्रेयॉन से कवर हो जाए। क्रेयॉन्स बैग्स यानी मोम के बने होते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर से पेंट को खरोच के निकालना ईजी हो जाता है। मैंने अपनी खिड़की के शेप को देखते हुए पेपर को स्क्वायर शेप में काटा है। आपकी खिड़की के शेप के हिसाब से काट सकते हैं। अगर आप पोस्टर पेंट को डायरेक्ट पेपर पर लगाकर करने की कोशिश करेंगे तो खरोचते वक्त पेंट के साथ पेपर भी निकल सकता है। अगर आपको कलरफुल आर्टवर्क नहीं पर ब्लैक एंड व्हाइट आर्टवर्क बनाना हो तो आप पेपर पर सिर्फ व्हाइट क्रेयॉन से भी कलर कर सकते हैं। और अगर क्रेयॉन्स ना हो तो आप मोमबत्ती को भी पेपर पर खींच सकते हैं। दोनों पेपर्स को क्रेयॉन से कवर करने के बाद हम उस पर पेंट का एक थिक कोट लगाएंगे। मैंने कैमलिन का सिंपल ब्लैक पोस्टर पेंट यूज किया है। आप पोस्टर पेंट की जगह एक्रिलिक पेंट या ब्लैक इंक भी यूज कर सकते हैं। पेंट लगाते वक्त आपकी ब्रश को एक ही डायरेक्शन में चलाएं, उससे पेंट सूखने के बाद काफी इवन दिखेगा। अगर एक कोट लगाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि पेंट बहुत पतला है तो आप उस पर एक कोट और लगा सकते हैं। इसको अच्छे से सूखने में कुछ आधा से एक घंटा लग सकता है। अब ये पेंट पूरी तरह से ड्राई हो गया है, हम इसको अब स्क्रैच करना चालू कर सकते हैं। मैं पहले टूथपिक यूज कर रही हूँ
पर आपको अब मैं बोर्ड पेन यूज करके भी दिखाऊंगी। आप कुछ भी शार्प चीज यूज कर सकते हैं, पर स्क्रैच करते वक्त जल्दबाजी ना करें। जल्दी करने से पेंट ज्यादा निकल सकता है, पेपर फट सकता है, या फिर आप जो शार्प चीज यूज कर रहे हैं उससे आपको लग भी सकती है। मैं सबसे पहले खिड़की ड्रॉ कर रही हूँ। आप विंडो का शेप अपने घर की खिड़की को देखकर बना सकते हैं। मेरी खिड़की से मुझे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, इसलिए मेरी पहली खिड़की के व्यू के लिए मैं कुछ डालियाँ और पत्ते बना रही हूँ। आपको आपकी खिड़की से जो भी दिखता है आपको वो बनाना है। वो बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, सिर्फ आसमान और बादल भी हो सकते हैं, या फिर आपकी खिड़की के सामने जाती हुई रोड भी हो सकती है। स्क्रैच करते वक्त अगर पेंट गलत जगह से निकल भी जाए तो घबराइए नहीं, इसको आप लास्ट में फिक्स कर सकते हैं। आपको सिर्फ ब्लैक पेंट लेकर उन एरियाज पे फिर से लगा देना है। मेरा पहला खिड़की का व्यू तैयार हो गया है, अब मैं दूसरा बनाऊंगी। मुझे चांद और तारे बनाना और देखना बहुत पसंद है, तो मैं ये दूसरी ड्राइंग के लिए रात का सीन बनाना चाहती हूँ। ये सेकंड व्यू के लिए भी आपको वो बनाना है जो कि आप देखना चाहते हैं, जो कि आपको पसंद है। तो इस ड्राइंग के लिए आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करनी है और जो दिल में आए आपको वो बनाना है। ये स्टार्स बनाना बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ तारों के जैसे छोटे छोटे डॉट्स बनाने हैं। मुझे बिल्लियां बहुत पसंद है, तो मैं इस खिड़की पर एक छोटी सी बिल्ली बैठाना चाहती हूँ। आपने देखा कि इनको बनाना कितना इजी है। अब आप अपने दो व्यूज बना के हमें भेज सकते हैं और मैं आपको फिर से मिलूंगी कुछ और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत ही जल्द। बाय। कितनी मनमोहक होती है ना इन पक्षियों की आवाज। क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षी आपस में क्या बातें करते हैं? क्या हम इनकी बातें समझ सकते हैं? क्या कोई तरीका है? हो सकता है आप में ही से कोई आने वाले समय में एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना दे जिसके माध्यम से ये संभव हो पाए। पर ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्या कंप्यूटर से बात करने का तरीका? आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और मैं बीटी में कार्य करती हूँ। मैं जानती हूँ आप अवश्य ही उत्सुक होंगे यह जानने के लिए कि हम कंप्यूटर से बात कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के माध्यम से। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को बताती है कि उसे किस प्रकार कार्य करना है। अब हम कंप्यूटर तक अपनी बात पहुंचाएं कैसे? तो उसके लिए दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन रीडेबल है, जिसे आप और हम आसानी से समझ सकते हैं, और लो लेवल लैंग्वेज जो कि मशीन के नजदीक है, जिसे मशीन आसानी से समझ सकती है, वो बाइनरी और हेक्साडेसिमल में लिखी जाती है। अब हम लो लेवल लैंग्वेज इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि उसे लिखना पढ़ना समझना आसान नहीं है, तो इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज प्रचलन में आई। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करती है। हम अपने इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज को देते हैं और उसका इंजन उसको उस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है एक ऐसी भाषा में जो मशीन को समझ आती है। इसमें दो तरह की लैंग्वेजेस प्रचलन में हैं, एक जो कि इंटरप्रेटर को यूज करती है और दूसरी जो कि कंपाइलर को यूज करती है। इंटरप्रेटर जिसे जो यूज करती है उनके कुछ एग्जांपल हैं पाइथन, रूबी, पीएचपी, और जो कंपाइलर यूज करती है उनके कुछ एग्जांपल हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा। आज हम बात करेंगे पाइथन के बारे में, यानी कि जो है इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाइथन के बारे में। पाइथन जो कि हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे सबसे पहले 1991 में गुइडो वैन रॉसम ने बनाया था और तब से लेकर अब तक ये बड़े पैमाने पर पूरे विश्व में कंप्यूटर से बात करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि ये एक ऐसे इंजन का प्रयोग करती है जो कि इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर यानी हमारी भाषा को इंटरप्रेट करके कंप्यूटर तक पहुंचाता है और कंप्यूटर की भाषा को इंटरप्रेट करके हम तक पहुंचाता है। दूसरी तरफ होती है कंपाइलर, जो लैंग्वेजेस कंपाइलर को यूज करती है। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में अंतर जानने के लिए मैं आपको एक साधारण सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आपको आपकी टीचर ने एक
मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया, आपने उस क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट आपने उसे हल करना शुरू किया, आपने एक स्टेटमेंट लिखी और आपने अपने टीचर को दिखाया कि यह गलत है या सही। आपके टीचर अगर वह गलत है तो आपको तुरंत बताएगी यह गलत है, और इसी प्रकार आप पूरा सम एक एक लाइन टीचर को दिखाते हुए हल करेंगे। ये होता है इंटरप्रेटर। दूसरा तरीका है कंपाइलर। कंपाइलर जिसके अंदर आप पूरा सम सॉल्व करेंगे, फिर अपने टीचर के पास जाएंगे और आपके टीचर यदि उस सम में जो भी आपने सॉल्व किया है उसमें कुछ गलतियां हैं उन सारी गलतियों को आपको बताएगी एक साथ। तो इसी तरीके से इंटरप्रेटर और कंपाइलर कार्य करते हैं। चलिए अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि पाइथन को अपने मशीन पर कैसे सेटअप किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं मशीन पर अपने कंप्यूटर पर पाइथन सेटअप करने का तरीका। क्योंकि अब पाइथन आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो चुकी है तो हम एप्लीकेशंस में जाएंगे और पाइथन को सर्च करेंगे। रिजल्ट्स में हमें पाइथन दिखेगी, उसकी फाइल पर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और ये हमारे लिए एक कंसोल ओपन कर देगी। इसे हम शेल भी कहते हैं। इसे कमांड लाइन इंटरप्रेटर भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसीलिए इसका इंटरप्रेटर होता है जो कि हमारी बात को इंटरप्रेट करके मशीन तक पहुंचाता है और मशीन की बात को इंटरप्रेट करके हमारे तक पहुंचाता है। आप जो भी कमांड यहाँ पर कंसोल पर देंगे यह है उसका उत्तर। अगर कोई एरर नहीं है तो तुरंत जैसा आप चाहेंगे वैसा उत्तर यह आपके सामने स्क्रीन पर लाएगा, और यदि कोई एरर है तो यह आपको एरर मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। उदाहरण के लिए हम इंटरप्रेटर को कहना चाहते हैं कि यह हमारे लिए हेलो फ्रेंड्स प्रिंट करें। इसका एक सिंटैक्स होता है, प्रिंट ब्रैकेट में आपको लिखना होगा हेलो फ्रेंड्स, और जैसे ही आप एंटर करेंगे यह आपको हेलो फ्रेंड्स स्क्रीन पर दिखाएगा। यह देखिए, इसी प्रकार से आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं, मान लो आप चाहते हैं 18 गुना में 9 का उत्तर क्या है, आप लिखिए 18 गुना में 9, एंटर दबाइए और उत्तर आपके सामने है 162। है ना कितना आसान? तो देखा आपने कितना आसान है पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना और पाइथन को अपने कंप्यूटर पर सेटअप करना। उम्मीद करती हूँ आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा और अब आप भी अपने कंप्यूटर पर पाइथन को सेटअप करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और इसी दौरान अगर आपको कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता है या कोई दिक्कत आती है, प्लीज हमें लिख भेजिए। आने वाले एपिसोड में हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आने वाले एपिसोड्स में हम पाइथन को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। और तब तक के लिए खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार, मैं हूँ काव्यर सिदानी और मैं एक काउंसिलर हूँ। कभी सुना है ये शब्द काउंसिलर? पहले पता है कई सालों तक मुझे खुद को पता नहीं था कि एक काउंसिलर क्या होता है, क्या काम करता है। आज मैं खुद एक काउंसिलर हूँ और पिछले 15 सालों से काउंसिलिंग कर रही हूँ। ये काउंसिलर मैं कैसे बनी उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, सुनाओ। जब मैं छोटी थी तो 3 भाइयों बहनों में से सबसे बड़ी थी, लेकिन मुझ में ना ऐसा कोई खास टैलेंट या खूबी नहीं थी जैसे आप में है। कितने सारे लोग कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ब्रिलियंट हैं, चैंपियंस हैं, कुछ स्पोर्ट्स में जलवा दिखाते हैं, कुछ जूनियर मास्टर शेफ्स हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं, कुछ डांसिंग करते हैं, कुछ सिंगिंग करते हैं। कितनी सारी खूबियां दिखती है ना आप सब में। मुझमें ऐसी कोई खूबी नहीं दिखती थी, मैं बस बोलती जाती थी। आज भी बहुत बोलती हूँ। लेकिन तब मेरे छोटे भाई बहन बहुत स्मार्ट थे, आज भी स्मार्ट है, एक पायलट है, एक लॉयर है। तो मेरे पापा मुझसे कहा करते थे, सबका कुछ ना कुछ हो जाएगा काव्यल, तुम्हारा क्या होगा।
तुम सिर्फ बातें करती हो। और मैंने उन्हें ऐसे ही पूछा था, पापा काश मुझे कभी कोई बातें करने का काम दे दे। और देखिए मैं बातें कर रही हूँ अभी आपके साथ। जैसे ही मैं बड़ी हुई तो नाराज रहती थी, अपसेट रहती थी। कभी कोई खूबी नहीं थी ना, कभी कोई प्राइज नहीं मिला था, कोई कॉम्पिटिशन नहीं जीता था, तो कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में। ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं किसी चीज के काबिल हूँ या काबिल नहीं हूँ, कोई मुझे पसंद करेगा पसंद नहीं करेगा, मैं कभी भी कुछ भी बन पाऊंगी या नहीं। तो जैसे चुपचाप रहती थी तो मुझे किसी ने कहा, शायद तुम्हें काउंसिलर की जरूरत है। जैसे हम बीमार होते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारे शरीर का चेकअप करते हैं, वैसे ही काउंसिलर्स हमारे मन और भावनाओं का चेकअप करता है। अगर हम टूट जाते हैं तो हमें हौसला देता है, अगर हम नाराज हो जाते हैं तो हमें खुश करता है ना। बहुत ही खूबसूरत काम एक काउंसलर का। पिछले 15 सालों में मैंने लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चों और बड़ों से बात की होगी। मुझे बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्या चीज होते हैं बच्चे, जरा सा डांट दो तो नाराज हो जाते हैं, जरा सा प्यार दे दो तो फूलों की तरह खिल जाते हैं, जरा सा हाथ बढ़ा दो तो आसमान छू लेते हैं। इसीलिए मैं आ रही हूँ आपसे मिलने रोज, कुछ ऐसे नुस्खे लेके, कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके जो आपको आगे बढ़ने में और बेटर सुपर पावर डेवलप करने में आपकी मदद करेंगी। मैं तैयार हूँ आपसे मिलने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आई कांट वेट टू सी यू। नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज पे, एक ऐसे शस्त्र पे जो दुनिया में सबसे पावरफुल है। ऐसा शस्त्र जो मेरे पास भी है, आपके पास भी है, हम सबके पास है। एक ऐसा शस्त्र जो ना ही इस दुनिया को बिगाड़ सकता है लेकिन इस दुनिया को बचा भी सकता है। क्या आप गेस कर पा रहे हैं कि ये ऐसा शस्त्र क्या है? ये शस्त्र है हमारे शब्द, हमारी भाषा। हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, ये या तो सामने वाले में जान भर सकता है या उनकी जान ले सकता है। चलिए जानते हैं लिटिल मोर अबाउट द पावर ऑफ योर वर्ड्स। हमने सबसे सुना है, हमारे बड़ों से, हमारे टीचर से, माँ बाप से, कि अपने शब्दों को रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करो, थोड़ी और जिम्मेदारी से सोच के बोलो क्या बोल रहे हो, क्योंकि अगर हमारे मुंह से कुछ निकल गया तो वो सामने वाले को चुभ कर ही रहेगा। और कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बचपन में किसी टीचर ने कुछ बोल दिया या माँ बाप ने कुछ बोल दिया या किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया, कुछ ऐसी चीज जो हमको खटक गई, हम आज तक नहीं भूल पाए हैं। आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स विथ वॉटर। ये जब मैंने पहली बार देखा था तो मेरी जिंदगी बदल गई। ये एक ऐसी एक्सपेरिमेंट है जिसे बहुत सालों तक डॉक्टर मसारू इमोटो, जो जापान से हैं, उन्होंने करी थी। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की। साधारण सा पानी लिया और अलग अलग बोतलों में भर के रख दिया और हर एक बोतल पे एक स्टिकर लगा दिया। एक बोतल पे लगाया लव, दूसरे बोतल पे लगाया हेट, तीसरे बोतल पे लगाया एंगर, चौथे बोतल पे लगाया गुस्सा, और फिर इसी पानी को फ्रीज करने को रख दिया। और जब ये फ्रीज हो गया तो उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि इन शब्दों का इस पानी पे कोई असर होता है या नहीं। चलिए दिखाती हूँ कि इस पानी की एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है, आप भी चौंक जाएंगे। और अब जो ये सैंपल है, ये एक फुजवारा डैम नाम की जगह से गंदा सा पानी उठाया है। देखिए कितना गंदा लग रहा है। और अब इसी पानी को दुआ और प्रार्थनाओं से सजाया गया है। देखिए इस पानी पे कितना फर्क आ गया है। ये जो आप पहला सैंपल देख रहे हैं, ये सैंपल पे स्टिकर लगाया था उन्होंने थैंक यू का, मतलब धन्यवाद। देखिए सिर्फ इस शब्द की खूबी से कितना खूबसूरत शेप मिल गया है इस पानी को। अब ये जो दूसरा सैंपल है,
इस पे लगाया है लव और अप्रिसिएशन, मतलब प्यार और किसी को धन्यवाद कहना, प्यार जताना। कितना खूबसूरत है ना। अब इस तीसरे सैंपल को गौर से देखिए। इस पे लिखा गया था यू मेक मी सिक, आई विल किल यू, मतलब तुमसे मुझे घिन आती है, गुस्सा आता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। देखिए पानी कितना भद्दा हो गया है। जरा कंपेयर कीजिए प्यार और यू मेक मी सिक वाले पानी को, कितना फर्क है। अमेजिंग है ना। कभी सोचा था कि सादे पानी में भी शब्दों का कितना असर हो सकता है? और अगर होता भी है तो हमें क्या? कभी सोचा है? हमें इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि हमारा शरीर 70-80% पानी से बना है। तो जरा सोचिए दूसरे लोगों के कड़वे शब्दों और अपने कड़वे विचारों से हमारे शरीर पे क्या बीतती होगी। आप तो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। चलिए आपको एक और एक्सपेरिमेंट करके फिजिकली दिखाते हैं कि हमारे शरीर की ताकत कैसे कम हो जाती है जब हम गंदे विचारों का और गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और आज हमारी एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ है ये ब्यूटीफुल सी गुड़िया पलोमी। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग पलोमी। हाय। ये जो एक्सपेरिमेंट है डरिएगा मत, बिल्कुल डेंजरस नहीं है, बहुत सेफ है। और मैं आपसे कुछ चीजें कहूंगी, कुछ बातें कहूंगी, पहले कुछ पॉजिटिव फिर कुछ नेगेटिव, और हम सिर्फ देखेंगे कि आपका हाथ स्ट्रॉन्ग रह पाता है या नहीं। ठीक है, आप सभी रेडी हो जाइए एक पार्टनर के साथ क्योंकि आपको भी ये एक्सपेरिमेंट मेरे साथ करनी है। रेडी हो लोगे? चलिए। बहुत खूबसूरत है आप, बहुत टैलेंटेड भी है। I'm sure that your parents are very, very proud to have you as their daughter, and your friends also must be so lucky to have you as their friend. और आपकी टीचर्स भी आपको बहुत पसंद करती हैं। अब वो सारी चीजें सोचिए जिसको सोचिए आपको बहुत खुशी मिलती है। Just think of everything, क्या अच्छा लगता है आपको, खाना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, घूमना अच्छा लगता है, just say thank you for it. And now let's see what is happening to the hand is strong. सिर्फ दो उंगलियों से प्रेस करना है, सिर्फ दो उंगलियों से। Ah, nice and strong. Excellent. Relax. अब हम ट्राई करेंगे ये सेम एक्सपेरिमेंट नेगेटिव वर्ड्स के साथ। ठीक है बलोमी? और अभी आपको ये सोचना है उन सब चीजों के बारे में जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, जो चीजें आपको अपसेट करके जाती है, और मैं भी कुछ ताने मारूंगी, फेक ताने होंगे लेकिन ताने होंगे। एक काम ढंग से नहीं होता है तुमसे, कुछ कर पा रहे हो या नहीं जिंदगी में? ना पढ़ाई कर रहे हो, ना बाहर ठीक से काम कर रहे हो, पूरा दिन बस टीवी, पूरा दिन बस स्क्रीन, एग्जाम में मार्क्स भी नहीं आ रहे तुम्हारे ठीक से, पूरा दिन फ्रेंड्स के साथ फोन पे लगे रहते हो, कपड़े पहनने का ठिकाना नहीं है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अब फिर से एनर्जी टेस्ट करें और अब सब चीजों के बारे में सोचो जो आपको अच्छी नहीं लगती है। अभी जो मैंने डांट ली उसके बारे में भी सोचो, और अब देखते हैं उनके हाथों की एनर्जी से क्या होता है। सिर्फ दो फिंगर से टेस्ट करना है। 1, 2, क्या हो गया आपके हाथ को? क्या हो गया था आपके हाथ को? लास्ट टाइम तो अच्छा वाला स्ट्रॉन्ग था। वुड यू लाइक टू शेयर विद अस व्हाट हैपेंड फॉर मी? माय आर्म वाज वेरी स्ट्रॉन्ग बिफोर, बट फिर आपने नेगेटिव बोला तो वीक हो गया। वीक हो गया? Isn't that amazing? कि सिर्फ कुछ चीजें सुनने से या कुछ चीजें सोचने से हमारे शरीर की एनर्जी या तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है या तो वीक। अब आप समझ में आ रहे हैं आपको कि आप बार बार बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि आप खुद या तो नेगेटिव चीजें सुने जा रहे हैं या खुद अपने आप बोले जा रहे हैं, मुझसे नहीं होगा, आई एम नॉट गुड इनफ, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, वो सब डायलॉग्स को साइड में रखना है। थैंक यू बोलोगे? अब जरा सा सोचिए, शब्द एक ऐसी चीज है जो अगर मीठा बोले तो सबके मन को खुश कर देते हैं, और अगर कड़वा बोले तो हम बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों के पावर को रिस्पॉन्सिबली यूज करें। मैं फिर बोलूंगी आपको एक नए टॉपिक, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। हेलो, वेलकम और नमस्ते। आप देख रहे हो स्कूल टीवी। मेरा नाम है संजना चौहान।
और मैं आपको सिखाऊंगी कि न्यूज एंकर कैसे बनते हैं। चलिए, आप में से कहीं न्यूज चैनल देखते होंगे और हाँ, मुझे पता है कि न्यूज चैनल पे न्यूज एंकर या न्यूज कास्टर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं या बड़ी जोर से बोलते हैं, पर उसका ये मतलब नहीं हुआ कि न्यूज कास्टिंग के टाइम आप भी चिल्लाएं। न्यूज हम धीरे से और शांत होकर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगे कि मैं ऐसे बात करूं तो आपको लगेगा कि मैं आप भी चला रही हूं और दर्शक झट से चैनल बदलेगा। पर अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं जैसे मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूं या आप मेरे दोस्त हैं, तो आप मेरी बात सुनेंगे ना। अभी न्यूज कास्टिंग या न्यूज पढ़ना नेचुरल होना चाहिए और वो सिर्फ अभ्यास से आता है, यानी कि प्रैक्टिस। मान लो कि आपका एग्जाम है और आपने साल में एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ा है या आपने पढ़ा ही नहीं होगा, तो एग्जाम आप कैसे लिखोगे? उसी तरह जब दर्शक को लगना चाहिए कि आप उनसे बात कर रहे हो बिना पढ़े हुए, बिना कुछ देखे हुए, तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कई बार न्यूज एंकर ऐसे भी बात करते हैं जैसे कि वो इंसान नहीं रोबोट है। नहीं, बात ऐसे करो कि आप किसी फ्रेंड को कहानी सुना रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बोल दो कि हाय यार, क्या चल रहा है, चल तुझे मैं एक बढ़िया सा खबर देता हूँ। ऐसे बात कीजिए कि आप किसी बुजुर्ग या बड़े से बात करो, तो थोड़े आदर के साथ बात कीजिए। प्रस्तोता या न्यूज एंकर अपना न्यूज एक टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ता है। अब ये टेलीप्रॉम्प्टर पे स्क्रिप्ट या न्यूज रिपोर्ट लिखा जाता है और ये ऊपर या नीचे की तरफ जाता है। मान लीजिए कि ये टेलीप्रॉम्प्टर है और हमने इसको कैमरा में ऐसे फिट कर दिया। अब हमने इस मशीन को ऐसे फिट कर दिया ताकि एंकर की नजर ऊपर नीचे यहाँ वहां ना जाए, पर दर्शक को देख के न्यूज एंकर बात कर सके। अब आते हैं गति पे, यानी कि स्पीड ऑफ रीडिंग पे। आइए मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाऊं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत उन्होंने पश्चिम चंपारण के गाँव चंपापुर से की। उन्होंने वहां के तालाब और नदी का निरीक्षण किया। नीतीश अपने हर यात्रा चंपारण से शुरू करते हैं। कुछ समझ में आया? मुझे भी नहीं। अब ये ट्राई करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत उन्होंने पश्चिम चंपारण के गांव चंपापुर से की। बोर हुए? मैं भी। अब लास्ट फाइनल ये ट्राई करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को जल जीवन और हरियाली अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत उन्होंने पश्चिम चंपारण के गांव चंपापुर से की। उन्होंने वहां के तालाब और नदी का निरीक्षण किया। नीतीश अपनी हर यात्रा चंपारण से शुरू करते हैं। तो देखा, अभी हमें जब न्यूज पढ़ना है तो ज्यादा तेजी या ज्यादा धीरे नहीं पढ़ना, ये हुई ना बात। अब आते हैं सुर की बात पे। घबराइए मत, मैं और नहीं गाऊंगी और न्यूज एंकर्स को भी गाना नहीं पड़ता है, पर सुर का उपयोग बहुत ही ज्यादा जरूरी है न्यूज में, क्योंकि दर्शक को ये पता लगता है कि हम किस किस्म की कहानी बता रहे हैं। आइए ट्राई करते हैं। स्वच्छता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लास्टिक मुक्त भारत का आह्वान किया है। बिहार में प्रधानमंत्री का इस अभियान में कदम ताल करेगा बिहार। बिहार अब प्लास्टिक मुक्त दीपावली मनाने की तैयारी में जुटेगा। आया मजा? मुझे भी नहीं। अब इसको अच्छी तरह से पढ़े। स्वच्छता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लास्टिक मुक्त भारत का आह्वान किया है। बिहार भी प्रधानमंत्री के इस अभियान में कदम ताल करेगा। बिहार अब प्लास्टिक मुक्त दीपावली मनाने की तैयारी में जुटेगा। आपने अंतर देखा? तो अब हमें इसी तरह ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम कोई बुरी खबर दे रहे हैं तो ज्यादा मुस्कुराए ना या ज्यादा खुश होके बात ना करें,
दर्शकों को हमेशा ये लगना चाहिए कि हम उन्हें और उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। इसी तरह जब हम किसी से बात कर रहे हैं या किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आई कॉन्टैक्ट यानी कि नजर जरूरी है और सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। चलो ट्राई करते हैं। अब बच्चों ये मानिए कि मैं इनका इंटरव्यू ले रही हूँ। ये एक बैडमिंटन प्लेयर है, इनका नाम है जानवी और उन्होंने अभी अभी हाल ही में एक अवार्ड जीता है, तो मैं इनका इंटरव्यू कर रही हूँ। कंग्रेचुलेशन जानवी एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पे आए। ये अवार्ड मिला तो आपको कैसे लगा? मैं खुश तो बहुत थी पर अवार्ड मिलने के बाद कुछ बुरा हुआ था। पर आपके वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आने वाले हैं ना, तो जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो गौर से सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। अगर उनके उत्तर में आपका अगला प्रश्न है तो डरिए मत, वो सवाल पूछ लीजिए। आइए फिर से ट्राई करते हैं। अब इंटरव्यू सही तरह से करिए। जब आपको ये अवार्ड मिला आप क्या महसूस कर रही थी? मुझे बहुत अच्छा लगा पर अवार्ड मिलने के बाद कुछ बुरा हुआ था। अच्छा क्या हुआ, आप इसके बारे में बात करना चाहेंगे? एंकर को अगर लाइफ में आगे जाना हो तो एक बात बहुत जरूरी है कि वो किस्सा और न्यूज को समझे। और ये कैसे होगा? पढ़ाई, न्यूज पढ़ो, अखबार पढ़ो, किताब पढ़ो, न्यूज चैनल देखिए। क्योंकि मान लो आपका टेलीप्रॉम्प्टर जो मशीन जो कैमरा के अंदर होता है वो खराब हो जाता है, और ये कई बार होता है, तो न्यूज वहां पे नहीं यहाँ पे होनी चाहिए। और आखिरी, अगर आप टीवी पे आना चाहते हो तो आपका हुलिया ठीक नहीं एकदम मस्त होना चाहिए। अगर आप न्यूज ऐसे पढ़ोगे तो कोई आपको देखेगा भी नहीं और आपको सीरियसली भी नहीं लेगा, इसलिए स्वच्छ और साफ रहना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि हाई फाई कपड़े पहनो या अपने चेहरे पे बहुत ज्यादा मेकअप लगाओ, पर याद रहे कि टीवी यानी कि टेलीविजन न्यूज एक ऑडियो और एक विजुअल माध्यम है, तो स्वच्छ और साफ रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अब तक आप में से सारे एंकरिंग एक्सपर्ट हुए होंगे तो मैं आपको देती हूँ एक चैलेंज, है दम तो सुनो। आपको एक न्यूज एंकर की तरह एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ना है तकरीबन एक मिनट के लिए। अब ये रिपोर्ट आप वेबसाइट से उठा सकते हो, आप न्यूज चैनल से उठा सकते हो, आप एक अखबार से भी उठा सकते हो। अभी रूल्स याद रखिए, आपको ज्यादा तेजी से बात नहीं करना और धीरे से भी बात नहीं करना और आसान शब्दों का प्रयोग करना है। तो ये आ गया हमारा क्लास का दी एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्कूल टीवी। मैं हूँ संजना।